Hey guys, today I'm getting my COVID-19 vaccine. जी हाँ, आज वैक्सीन लगवा रहे हैं हम, तो देखिए बाद में दिखाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, ये रहा हमारा यशोदा हॉस्पिटल और आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ हो रही है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन हो रही है यहाँ पे, डॉक्टर रजत अरोड़ा हमारे डायरेक्टर खड़े हैं और ये है वैक्सीनेशन का केंद्र, टीकाकरण होगा यहाँ। आइए अंदर चलते हैं, सारे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स खड़े मिलेंगे आपको और डॉक्टर आशीष प्रकाश, इन्होंने वैक्सीन लगवा ली। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना होता है, कुछ इस प्रकार का फॉर्म। और ये देखिए, हमने ऑलरेडी भर दिया है। राइट, तो फोन नंबर लिखा है इसमें, नहीं तो हम डिटेल में दिखा देते हैं। ऑल राइट, सो ये वैक्सीनेशन रूम्स हैं, यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। वैक्सीनेशन रूम नंबर 1। राइट, वैक्सीनेशन रूम नंबर 2, डेडिकेटेड वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं। वैक्सीनेशन लग रही है। देयर इज ऑब्जर्वेशन रूम आफ्टर वैक्सीनेशन, यू आर हियर फॉर सम टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट, टू चेक फॉर एनी काइंड ऑफ एनी साइड इफेक्ट्स। वैक्सीनेशन रूम 2, वैक्सीनेशन रूम 1। और हमारे पास में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बे है, किसी को कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो तो। और हमारे ऑर्थो के डॉक्टर साहब आ चुके हैं। सो बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको? चलो बढ़िया बढ़िया। और राइट, सो ये ठीक है। सो दैट्स इट। तमाम डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आज वैक्सीन लगवाई है और उनके हाथों में ये जो कार्ड है, ये कार्ड अपने आप में बता रहा है कि हाँ उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है और कौन सी वैक्सीन लगी है और किस तरीके की उनकी प्रक्रिया है, सीधे उन्हीं से जानेंगे। पहले मैं डॉक्टर सती अरोड़ा जी से करता हूँ। मैम, आज वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई है, लंबे समय से भारत इंतजार कर रहा था कब वैक्सीन लगेगी, तो वैक्सीन की शुरुआत हो गई। वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की कोई रिएक्शन, किसी तरह की कोई जो है सिम्टम्स? नहीं, अभी तक तो कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल, तो कहीं का वैक्सीन के बाद और मजबूती के साथ काम कर। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने तो वो दौर पूरा देखा है और झेला है, खुद आप लोगों ने यहाँ पर एक से एक सीवियर पेशेंट्स को जो है टैकल किया है। एक वो डर, एक वो कहीं ना कहीं डर होता था जो अपने फ्रंट लाइन उनका फाइटर थे जैसे आप जैसे लोग, अब जो वैक्सीन लगा है उसके क्या रिएक्शन है? वैक्सीन तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमको तो इंतजार था इसका बहुत पहले से, क्योंकि दिल्ली में सर्जन हम लोगों को ऑपरेशन करना होता था, पेशेंट को छोड़ नहीं सकते थे,
इस वैक्सीन का तो बहुत दिनों से इंतजार था, पर ये और एक खुशी हुई कि हमारी अपनी कंट्री का बना हुआ था, बना हुआ वैक्सीन था। जब बाहर से आने में उसको बहुत देर लगती, पर मुझे एक घंटे ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं पता रखता है, वैक्सीन से इतनी ज़्यादा है आम थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर किसी को होगी, इसको लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, कुछ ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लगाई किसी की डेथ हो गई, किसी को रिएक्शन हो गया। आपको लगता है कि आपने खुद इंडियन वैक्सीन का प्रयोग किया है, आपको लगता है पूरी सिक्योर है? मैं इसका पूरा विरोध करूंगा, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत रेयर है, सब रेयर वन मिलियन में ऐसा कभी हुआ। अदरवाइज किसी आदमी कई बार बिल्कुल हेल्दी होता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। अब इसको आप ब्लेम करें यदि ये इससे हो गया, वैक्सीन से हो गया, तो मुझे नहीं जाए देती, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर आपको लगता है कि इस वैक्सीनेशन के बाद आप लोग और मजबूती के साथ इस कोविड की लड़ाई को लड़ सकेंगे और मरीजों को ट्रीट कर सकेंगे? बिल्कुल, हम और मजबूती से और आगे से सेंटर होकर बिल्कुल मजबूती से और लड़ेंगे। वैक्सीन लगने से हमको इतना और फायदा हुआ है कि हम और ज्यादा जो है पेशेंट की केयर कर सकते हैं, जो डर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैम एक चीज ये बताइए, सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि महिलाएं इस वैक्सीन को ना लगाएं, बहुत सारे रूमर्स उसमें आ रहे हैं कि इस उम्र के बाद ये वैक्सीन आपको जो है रिएक्शन कर सकती है, तो वो तमाम आशंकाएं आपको तो लगता है वैक्सीन लगवाने के बाद अब खत्म हो गई? बिल्कुल, सारी सारी अंबाएं नहीं दौड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और लड़के की अभी नहीं लगा रहा है, बाकी सब लोग लगा सकते हैं। किसी बॉइज को एलर्जी है उनके लिए हम जो डेफिनेटली कहेंगे कि आप लोग कोई समस्या लगाएं, पर डॉक्टर सलाह कहते हैं लगाना है, उनको एलर्जी है दवाई होते हैं, वो मेडिकेशन आ गए हैं जिसको उनको एलर्जी होती है, उसकी वजह से उनको सिर्फ मना करा जाएगा, बाकी सब लोग लगता है, बाकी हर कोई लगवा सकता है, 18 साल के ऊपर सब लोग लगा सकते हैं। सर आप लोगों ने कोरोना की जो लड़ाई चल रही है शुरुआत से, आप लोगों ने इसको जो है बहुत कंटिन्यू जो है हैंडल किया है, आप लोग को लगता है कि कोविड का वैक्सीनेशन पूरी तरह सिक्योर है और हर किसी को लगवाना चाहिए इसको? जी हाँ बिल्कुल, अब तक जितने लोगों को लगा है उसमें भारतीय वैक्सीन से कोई भी मेजर इवेंट नहीं रोटेड है, जो एक दो इवेंट हुई है वो इंडिविजुअल इवेंट हुई है और उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। 4 लाख से ऊपर लोगों को लग चुकी है और सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स अपने आप में एक उत्साह महसूस कर रहे हैं इस वैक्सीन के आने से कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए सबसे मजबूत हथियार साबित है। सर आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन है, हर एक युवा हर एक वर्ग के लोग जो है इसको लगवा रहे हैं, कहीं कोई प्रतिक्रिया कहीं कोई रिएक्शन? सबसे ऐसा है, रिएक्शन तो हर इंडिविजुअल का अलग अलग आता है, प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा नॉलेज के अभाव का है मेरे हिसाब से। और इंडियन वैक्सीन में सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन एक वायरस का छोटा सा हिस्सा है जो इनएक्टिव है, मान लीजिए आपके सिर्फ इम्यून सिस्टम को वो एक्टिव करेगा ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाए। जो बाहर वाली फाइजर की वैक्सीन है वो mRNA की वैक्सीन है, उसमें थोड़ा सा क्योंकि ये नया टाइप की वैक्सीन है इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है। और जहाँ तक मामूली से बुखार की बात है वो तो छोटे बच्चे को भी होता है वैक्सीन के बाद, सो मामूली बुखार या मामूली रिएक्शन वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, राइट, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक इंडिविजुअल किसी एक केस को हम जनरलाइज नहीं कह सकते कि वो वैक्सीन का रिएक्शन है। सो बिल्कुल एब्सोल्युटली वैक्सीन सभी को लगाना चाहिए और सबसे ज़रूरी वैक्सीन के बारे में सही नॉलेज मिलनी चाहिए। सो डॉक्टर पूजन प्रीत getting her first vaccine. ये जाएगी सुई। Thank you so much. So ये लगी है इनको, एक बार दिखा दो, लोगों को दिखा देंगे ना कौन सी वाली लगी। हाँ हाँ that is there. ये है कोविशील्ड, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, कोविशील्ड है, कोई बात नहीं। ओके सो थोड़ी देर वेट करना होगा, आपको आपके फोन पे एसएमएस आ जाएगा 28 days, that would be... All right. So, नमस्कार, so ये है वैक्सीन कोविशील्ड, कोविशील्ड दिखाओ।
ऑल राइट, सो कोविशील्ड लगाने जा रहे हैं हम। कोविशील्ड पहले भरी जाएगी, भरती भी दिखा लो, दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। सो 0.5 ml ऑफ द वैक्सीन इज सपोज टू बी टेकन विद द न्यू फ्रेश सीरीज आपके टेरिटॉरी रीजन पे लगाना है आपको विदाउट एनी स्ट्रेस। गीला छोड़ दीजिए। थैंक यू सिस्टर। सील लग गई है और हमारा पेपर वर्क वहां भर चुका है। आपको दूसरा रिटर्न भी है। ऑल राइट, 19 2 फरवरी। थैंक यू सिस्टर जी।